हाय गाइस, मैं आपके साथ आज एक सिंपल सा मेकअप लुक लेके आई हूँ। होप आपको ये अच्छा लगेगा। और आजकल मैं यही मेकअप लुक हर जगह करती हूँ, पार्टी फंक्शन कहीं पर भी जाती हूँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके यही वाला मेकअप लुक मैं आजकल करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अपना स्किन जो है वो प्रेप कर लिया है, मतलब मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा लिया है, जो भी मेरा सीरम वगैरह रहता है वो सब लगा लिया है। और यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ ये एक कंसीलर है स्विस ब्यूटी का, ये मैंने नया ख़रीदा है। तो इसकी मदद से मैं अपना जो भी हाइड करना है डार्क स्पॉट वो हाइड कर रही हूँ। थोड़ा सा लगा रही हूँ मैं सिर्फ, ताकि जो भी मुझे कवर करना है डार्क स्पॉट वो कवर हो जाए। और बस इतना ही कवरेज मैं अपने फेस को दूंगी, कोई भी फाउंडेशन मैं यूज़ नहीं करूंगी। अपने फिंगर की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लूंगी अच्छे तरीके से। अगर आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर है या ब्रश है तो आप उसका भी हेल्प ले सकते हैं। मेरे पास नहीं है, मेरा ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो ख़राब हो गया है, मुझे नया लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेकअप करती नहीं हूँ। बहुत दिनों के बाद आज मैंने एक मेकअप वीडियो से शूट किया है, तो मुझे आइडिया नहीं था कि मेरा जो ब्यूटी ब्लेंडर है उसमें मोल्ड लग गया था, तो मैंने उसे फेंक दिया। तो अभी आप जैसे देख रहे हैं, मैं अच्छे तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ अपने कंसीलर को, और बाय चांस मुझे काफ़ी अच्छा शेड मिल गया था, जो कि कभी मुझे मिलता नहीं है। हमेशा कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो ही जाता है, कभी डार्क आ जाता है, कभी लाइट आ जाता है। तो ये शेड जो है मेरे फेस से काफ़ी मैच कर रहा है, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे, और काफ़ी अच्छे से ब्लेंड भी हो जा रहा था, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगी। तो ये देखिए ब्लेंड हो चुका है और मुझे अच्छा लग रहा था, इतना ही कवरेज मुझे चाहिए होता है। और इससे ज़्यादा मैं बताऊँ आपको तो मेकअप हेवी मुझे अच्छा लगता भी नहीं है। डेली यूज़ में बोलिए या फिर पार्टी फंक्शन में भी मैं इतना ही मेकअप करना पसंद करती हूँ। इससे ज़्यादा हेवी अगर आप कर लीजिए तो आपकी जो फेस की ओरिजिनलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। पहले मैं एक आध वीडियो में मैंने काफ़ी हेवी लोगों को देख के करने की कोशिश की थी, लेकिन वो मुझे अच्छी नहीं लगी, इसकी वजह से मैं अब ऐसे ही मेकअप करना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये एक टिंट है, इसको मैं अपने चीक्स पे लगाऊंगी, लिप्स पे लगाऊंगी, और कभी कभी तो मैं यही लगा के छोड़ देती हूँ और पाउडर लगा लेती हूँ, और इसी से मेरा ब्लश का काम हो जाता है। लेकिन आज मैं इसको ब्लेंड करने के बाद ऊपर से पाउडर ब्लश का भी यूज़ करूँगी। और ये देखिए काफ़ी नेचुरल लगता है, इसको अगर आप चाहें तो बिल्ड कर सकते हैं। और ये देखिए, ऐसे लगा के अगर आप ऊपर से पाउडर नहीं लगाते हैं तो काफ़ी शाइन करता है आपका चीक, बिल्कुल लगता है जैसे मतलब अंदर से आप ग्लो कर रहे हैं, ऐसा वाला ग्लो आता है, जैसे लगता है जैसे आपका स्किन बहुत अच्छा है। तो ये प्रोडक्ट जो है मुझे काफ़ी पसंद है, मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ, और ये लिप्स पे भी यूज़ होता है, चीक पे भी यूज़ होता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। ये देखिए, मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है हल्का सा नोज़ पे, और जो बच गया था उसको चिन पे लगा लीजिए, और थोड़ा सा अपने फिंगर टिप्स पे लेके अपने लिप्स पे भी हल्का सा डैप कर लीजिए, ताकि हल्का सा एक कलर आ जाए, और अगर मैं कोई भी लिपस्टिक लगाऊं तो वो अच्छा लगेगा। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक ब्रश लिया है, और ये पाउडर के साथ जो स्पॉन्ज था उससे मैं नहीं लगाऊंगी, और ब्रश की मदद से ये पाउडर मैं लगा रही हूँ अपने फेस के ऊपर। और ये भी काफ़ी अच्छा पाउडर है, बिल्कुल भी आपका फेस केकी नहीं करता है। इसके पहले जो पाउडर मेरे पास था वो बिल्कुल थोड़ा सा भी पसीना होता था ना तो बिल्कुल मेल्ट हो जाता था, और पता लगता था कि मेरे फेस पे बहुत सारा पाउडर लगा हुआ है। और ये जो पाउडर है ये बहुत अच्छा पाउडर है, ये ब्लू हेवन का है, काफ़ी सस्ता भी है और काफ़ी अच्छा भी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने ज्योति सेठी का व्लॉग देखा था, व्लॉग नहीं मेकअप वीडियो, वहाँ से देख के मैंने लिया था। और ये देखिए, ये यही पाउडर ब्लश जो है कलर बार का, ये मैं अभी थोड़ा सा अपने क्रीम ब्लश के ऊपर, मतलब जो टिंट है उसके ऊपर मैं इसको टॉप कर लूँगी, और हल्का सा लेके मैं अपने आईज़ के ऊपर भी लगा लूँगी, ताकि मुझे आई मेकअप भी नहीं करना पड़ेगा। और देखिए, हल्की सी मेरी आईज़ भी पिंक पिंक लगेंगी और शाइनी शाइनी लगेंगी, अच्छा लगेगा। तो हल्का सा मैंने आँखों पे भी कलर दे दिया है, तो एक ओवरऑल अच्छा चेहरा लगता है, मतलब
बिना ज़्यादा एफर्ट दिए आपका चेहरा जो है लगता है कि हाँ अच्छा लग रहा है, मेकअप आपने किया हुआ है, अच्छा लगता है बिना आई शेडो और उस पर अपनी आँखों पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और ये देखिए, ये हाइलाइटर लिया मैंने और उसी ब्रश के ऊपर पतला करके उसको हल्का सा लेके, और ये देखिए मैंने अपने जो भी मेरे फेस का हाई पॉइंट है वहाँ पर मैं लगा लूँगी हाइलाइटर। बहुत हल्का सा है क्योंकि ये डे टाइम है, नाइट नहीं है, तो मैं बिल्कुल ही हल्का सा लगा रही हूँ ताकि पता भी नहीं चल रहा है और उतना ज़्यादा, और हल्का सा बस शाइन आ गया है। और देखिए मैं अपने आईब्रोज कर लूँगी, पहले स्पूली से अपने आईब्रोज को कॉम कर रही हूँ, फिर मैं फिल कर लूँगी। देखिए आईब्रोज मेरे जो है ना वो बने हुए भी नहीं है, मतलब मैंने थ्रेडिंग नहीं कराई हुई है और मैं थ्रेडिंग कराती भी नहीं हूँ, मैं खुद से ही बना लेती हूँ। और अभी जो है मुझे टाइम नहीं मिला था इसीलिए मैंने बनाया नहीं है, मैं बनाऊँगी बहुत जल्दी, तो मैं भी उसका भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं खुद से कैसे अपना आईब्रोज जो है वो बनाती हूँ। और ये देखिए एक सेकेंड मतलब जो है 2 मिनट के अंदर मैं आईब्रोज का बिल्कुल ये चेंज कर देता है। ये जो पेंसिल है ये मुझे बहुत पसंद है, एल्फ का पेंसिल है, और मैंने दोनों आईब्रोज जो है वो अपने फिल कर लिए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कोई मेकअप ना करूं, आईब्रोज फिल कर लूं, लिपस्टिक लगा लूं और काजल, ये 3 चीज़ें करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतना ही करके मैं बाहर जा सकती हूँ। अब मैं देखिए ये काजल लगा रही हूँ, ये कलर बार का काजल है, थोड़ा स्मज हो जाता है और उतना अच्छा इसका वो नहीं है, स्मज प्रूफ नहीं है ये, लेकिन हाँ मेरे पास ये काजल था, मुझे गिफ्ट मिला था, मेरे पास ये 2 काजल है, तो अभी एक चल रहा है और एक और है तो मैं इसको ख़त्म कर दूँगी क्योंकि है तो ख़त्म करना ही है। और ये देखिए ये मैं लगा ले रही हूँ, इससे अच्छा मुझे प्लम का काजल लगता है, लेकिन हाँ ये मेरे पास है तो फिर इसको तो फिनिश करना ही होगा, बर्बाद तो कर नहीं सकते ना, तो इसलिए मैं इसको फिनिश कर लूँगी पहले। और ये देखिए ये अच्छा लगता है, मतलब ये टिकता है लेकिन ना थोड़ा स्मज हो जाता है और कुछ भी नहीं प्रॉब्लम है। ये देखिए, और मैं क्या करूँगी ना ऊपर वाले लिड पे हल्का सा कॉर्नर पे लगा के अपने उंगलियों की मदद से ना हल्का सा स्मज कर लूँगी, तो वो ऊपर में ना स्मज इफ़ेक्ट आ जाता है, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है काजल लगाने के बाद। ये देखिए मैं हल्का सा लगा के और अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से इसको स्मज कर लूँगी। अगर आपके पास वो स्मज करने का एक रबड़ का रहता है काजल के बैक साइड में लगा रहता है वो हो, तो आप उससे भी कर सकते हैं या फिर ब्रश से भी कर सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा फैल गया था तो मैंने उसको अपने फिंगर टिप से सही कर लिया, तो ये देखिए थोड़ा सा स्मोकी इफ़ेक्ट आ जाता है, लगता है कि हाँ मतलब स्मोकी आई करने की कोशिश की गई है एवरीडे लुक वाली। और ये देखिए एक ये लैक्मे की लिपस्टिक है, न्यूड लिपस्टिक, ब्राउन लिपस्टिक, ये मैंने अपने लिप टिंट के ऊपर थोड़ा सा लगा लिया है, इससे बहुत अच्छा लगता है एवरीडे में, ये कलर मुझे बहुत पसंद है। और कोई भी आप ड्रेस पहन रहे हैं कोई भी कलर का, तो ये ब्राउन लिपस्टिक ना मुझे बहुत पसंद है, और ये हम जैसे स्किन टोन वाले लोगों के लिए तो काफ़ी अच्छा है न्यूड शेड। और ये देखिए मैंने लगा ली छोटी सी बिंदी और मैं अपने बालों को सही कर लूँगी अभी। और ये है सेटिंग स्प्रे मेकअप रेवोल्यूशन का, और मैंने थोड़ा सा लगा लिया और ये अपने हाथों से अपने फेस को फैन कर लूँगी, और बाल तो सही है ही। तो ये देखिए कैसा लग रहा है आपको ये मेकअप लुक, आप लोग ज़रूर बताइएगा। कुछ डिफरेंट मैंने इस बार चैनल पे लाया है, तो आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, और मिलते हैं बाय।